हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बलराज ट्रेडिंग टेक। सो गाइस, बैंक निफ्टी का आज का वीकली मंथली दोनों एक्सपायरी था, लेकिन कुछ खास परफॉर्म नहीं किया एंड फाइनली उसने क्लोजिंग किया है 48,500 लेवल के आसपास। सो 500 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहां पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। अगर आज के कैंडल का हाई देखते तो 48,633 का हाई लगाया, जो की एक लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा था कि बैंक निफ्टी अगर अपसाइड में जाता है तो किस लेवल तक जा सकता है। सो 48,633 मैंने फर्स्ट टारगेट निकाला था, अगर उसके ऊपर जाता तो हम अगेन नेक्स्ट टारगेट डिसाइड करते, लेकिन फिलहाल जो टारगेट मैंने निकाला एग्जैक्ट वही तक गया एंड बाकी आज का जो कैंडल बना हुआ है एक पॉज कैंडल बना हुआ है। लेकिन कल का जो हाई था उसके ऊपर जब हमने क्लोजिंग किया, मतलब ब्रेकआउट किया हुआ था, तो उसी के ऊपर हमने डोजी कैंडल बनाया हुआ है। सो जब भी कोई कैंडल ब्रेकआउट कैंडल बनता है, लर्निंग का पॉइंट, जब भी कोई कैंडल ब्रेकआउट कैंडल बनता है, अगर किसी रेंज का ब्रेकआउट हो रहा होगा तो उसके नेक्स्ट डे का कैंडल डिसाइड करता है कि क्या मार्केट अपसाइड में जाएगा या नहीं जाएगा। सो आज का जो कैंडल है उसने सस्टेन किया, पूरे दिन नीचे आने का ट्राई किया, लेकिन जो कल का हाई है उसको हम निकाल नहीं पाए, उसी के ऊपर उसने कंटिन्यू सस्टेन किया है। दैट्स मीन कि ये जो ब्रेकआउट किया उसको उसने मेंटेन करके रखा है, अभी उसके नीचे नहीं आया। लेकिन कैंडल भी तो डोजी बन गया है, आज का जो कैंडल है वो डोजी कैंडल बना हुआ है, जिसका अपसाइड में भी एंड डाउन साइड में भी दोनों साइड में उसका जो वीक है वो लगभग सेम है। एंड बॉडी क्या है, इसके अंदर में इसने बॉडी इस तरह का बॉडी बनाया हुआ है, ठीक है। सो लगभग आज का 300 पॉइंट के अंदर मोमेंटम हुआ है, कुछ खास नहीं था, लेकिन एक बात सही है कि अपना कल का जो इसने ब्रेकआउट किया है उसके ऊपर इसने सस्टेन करके रखा है। हो सकता है कल थोड़ा बहुत नीचे आए, रिटेस्ट करे सेम लेवल को एंड देन फिर अपसे हमें अपसाइड का मोमेंट देखने को मिल सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी यह है, क्योंकि 48,500 का लेवल भी इसने बरकरार रखा है। आज भी उसके ऊपर ही हमने अभी क्लोजिंग दिया है, आसपास उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो उसका रिस्पेक्ट तो होना चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर है तो 15 का चार्ट लगाते हैं। आज का डे तो टोटली साइडवेज गया है, एक मोमेंटम एक्सपेक्ट था लेकिन नहीं किया उसने, एक भी मोमेंटम नहीं किया, लेकिन नीचे भी नहीं आया। एक चीज ये है कि ये नीचे भी नहीं आया, जस्ट गैप फिल का काम किया, यहाँ पे इसने गैप फिल कर दिया, थोड़ा सा गैप पेंडिंग था, तो बड़ा अगर व्यू से देखे तो सेलिंग, तो करेक्शन तो कभी भी आ सकता है। आने वाले टाइम में करेक्शन कब होगा ये पता नहीं है, पर करेक्शन तो होगा, ये चीज एक पता है कि करेक्शन तो होगा, कभी आज होगा या कल होगा ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। कल फ्राइडे है तो ये नहीं है कि कल सेलिंग हो जाएगा, हाँ हो भी सकता है, लेकिन बड़ा सेलिंग अभी करेक्शन उसमें टाइम दिख रहा है मुझे, क्योंकि मार्केट अभी अपसाइड कंटिन्यूस अपसाइड में जा रहा है। जब तक वो साइकोलॉजिकल लेवल को मेंटेन करके रखेगा तब तक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो अपसाइड में जाए। अभी कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा यही वाला लेवल, इसके ऊपर अगर रहता है ये वाला लेवल जिसका आज हमने सपोर्ट बनाया, गैप ओपन हुए लेकिन उसके नीचे हम आ नहीं पाए कंटिन्यूस, उसका ही बुलिश स्लो एंड स्टडी बुलिश प्रोजेक्शन है। लेकिन जैसे कि एक्सपायरी पे मोमेंटम होना चाहिए, बिल्कुल उस तरह का मोमेंटम नहीं किया बैंक निफ्टी ने एंड निफ्टी ने भी नहीं, लेकिन मैंने लाइव में लोगों को ट्रैप होने से तो बचाया, एक चीज है। लेकिन ट्रेड करना ही रहता है, सबके अंदर चलता है कि मुझे तो ट्रेड करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए, एंड लगता भी वही है कि इमोशंस बीच में आते हैं कि वही लगता है कि यहाँ से चला जाएगा वहां से चला जाएगा, इसीलिए वो लॉसेस तो होंगे ही होंगे। जब तक आप लोग कंटिन्यू प्राइस एक्शन के सेटअप पे वर्क नहीं करना चाहते, करते नहीं, सीखते नहीं, तब तक तो लॉसेस तो होंगे। एंड ऐसा नहीं है कि सीखने के बाद लॉसेस नहीं होते, होते, लेकिन सेटअप अगर 10 में से 8 बार सक्सेस हो रहा है, 2 बार फेल होगा तो उसमें हमारा ज्यादा कुछ नहीं जाएगा, ये चीज सिंपल है, ओके। सो सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ओके। सो इंपॉर्टेंट रहेगा कि बैंक निफ्टी कल इस रेंज में ओपन हो, जैसे कि कल मुझे एक्सपेक्टेड था रेंज में, बट उसका यहाँ पे ब्रेक, सॉरी इस वाले दिन था वो रेंज का, रेंज में एक्सपेक्टेड हो, ओपन हो तो बेस्ट रहेगा। लेकिन ये रेंज में और ये रेंज में काफी ज्यादा डिफरेंस है, ये रेंज बुलिश वाला रेंज था, नीचे से गया था, एक चौपी रेंज में रुका हुआ था, ये थोड़ा सा बड़ा रेंज में है। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि इसका अगर ब्रेकडाउन भी कर गया तो डाउन साइड का एक मोमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अपसाइड के लिए तभी सोचेंगे जब कंटिन्यू इसके ऊपर रह के ही बुलिश प्राइस क्रिएट करे, आज बुलिश प्राइस उसने क्रिएट किया ही नहीं। 5 मिनट का चार्ट भी देखे तो एक अच्छा सेटअप हमें मिलता, कब सेटअप कहाँ पे बनने वाला था हमारा मॉर्निंग में वो भी बता देती हूँ। यहाँ पे इस वाली लेवल पे अगर बैंक निफ्टी एक ग्रीन कैंडल बनाता ना इस वाली लेवल पे, तो हमें एक अच्छा सेटअप मिलता अपसाइड का, बट उसने क्या किया, एक पीछे एक हाई लगाया, उसके जस्ट उसी के पास एक हाई लगाया एंड देन सेलिंग का प्रेशर बन गया, अपना लो ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे मुझे बियरिश प्राइस एक्शन चाहिए था कि इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो इसी को रिटेस्ट करे, बट नहीं किया, उसके ऊपर चला गया। सो जो जिसका ब्रेकआउट किया वही लेवल को दिन भर हमने रिस्पेक्ट किया, उसी के आसपास हम घूमते रहे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश प्रोजेक्शन का हमारा सेटअप बना था इस वाली लेवल पे, तो इसने टाइम पास करके यहाँ पे स्लो एंड स्टडी करके मूवमेंट दिया, लेकिन इतना कुछ खास चला नहीं, ठीक है, सिंपल चीजें हैं। अगर कल भी हमें
इस सपोर्ट के ऊपर मेंटेन करके रखते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन बन के अपसाइड का मोमेंटम मिले। डाउन साइड का मोमेंटम तभी एक्सपेक्ट हो सकता है यहाँ पे रेंज बने एंड रेंज का ब्रेकडाउन हो। रेंज का ब्रेकडाउन पे भी तुरंत जो लोग जाते हैं चांसेस आर वेरी हाई कि वो लोग ट्रैप हो जाते हैं। जब भी कैंडल रेड कैंडल क्लोजिंग करता है, जब भी रेड कैंडल क्लोज करे तो उसके बाद हमेशा वेट करना चाहिए रिटेस्ट का। रिटेस्ट क्या होता है कि कैंडल अपसाइड में जाए, वीक छोड़ी एंड देन नीचे आके क्लोज किया तो हो सकता है कि वो मोमेंटम कंटिन्यू हो जाए, नहीं तो फिर से वो एक ब्रेकडाउन के बाद एक रेड कैंडल बनाने के बाद एक ग्रीन बनाता है, छोटा सा पॉज कैंडल रहता है उसके बाद फिर से निकलता है तो वो भी मोमेंट तेजी का रहता है। हमेशा बियरिश प्राइस एक्शन में आपको हायर लोस फाइंड आउट करने हैं। एक हाई लगाया, उसके नीचे लोअर हाई लगाया एंड फिर से लोअर हाई लगाया, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड ये चीज तभी समझ में आएगी आप लोगों को जब आप चार्ट ट्रेडिंग का सीखोगे, प्राइस एक्शन का सीखोगे। फ्लैट ओपन होता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करता है रेंज में तो थोड़ा सा और रेंज में रुक सकता है क्योंकि ऑलरेडी रेंज में ही क्लोज किया है तो रेंज में ओपन होने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने देना है। मॉर्निंग में ओपन होते ही मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, नहीं तो फिर से लॉस आपके कंटिन्यू होते रहेंगे। ऐसा चीजें आप फॉलो करोगे तो सिंपल हम वेट करेंगे। गैप अप का प्रोबेबिलिटी मुझे कम लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन हो भी गया ना गैप अप, आज जैसे गैप अप होगा थोड़ा सा तो उसके बाद वो थोड़ा नीचे आता है, प्राइस एक्शन क्रिएट करता है। हाँ, यहाँ पे नहीं किया गाइज, जब मार्केट में अच्छे मूवमेंट चल रहे होते हैं ना मार्केट काफी अच्छा प्राइस क्रिएट करता है, लेकिन जब मार्केट को अच्छा मूव ही नहीं करना होता है तो वो इतना अच्छा प्राइस भी नहीं क्रिएट करता है, सिंपल चीजें होता है। चलो थोड़ा निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी का जो क्लोजिंग है, निफ्टी का भी काफी अच्छा क्लोज किया हुआ है, टॉप पे क्लोजिंग है। वन डे का चार्ट देखे तो हम कंटिन्यूस यहां से जैसे ही निकले है, लगभग क्या लेवल है 20,900 से जैसे ही निकले हम कंटिन्यूस अपसाइड का मूवमेंट लगभग 21,700-21,900 के पास जाएंगे तो 1,000 पॉइंट का यहाँ पे वन वे मूवमेंट हो जाएगा। एक भी पॉज कैंडल नहीं बनाया है, एक भी पॉज कैंडल नहीं है, कंटिन्यूस सेलिंग आ रहा है। जस्ट एक करेक्शन यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे बाय ऑन डिप हो गया। अभी हमें चाहिए कि निफ्टी थोड़ा सा या तो होल्ड कर ले या थोड़ा नीचे आ जाए या फिर यहाँ रेंज बनाने लग जाए तो एक बिलीव आएगा, क्योंकि जब मार्केट विदाउट प्राइस एक्शन ऐसा सीधा 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 रैली कर रहा होता है ना तो वहां पे डर ये रहता है कि किसी भी दिन ये पलट सकता है, ये चांसेस आर वेरी हाई। यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा ग्रेड नहीं दूंगी कि हाँ यहाँ से और ज्यादा इतना ऊपर उतना ऊपर जा सकता है, ये ग्रेड नहीं दूंगी। लेकिन इंट्राडे में अगर हमें प्राइस दिखता है, इंट्राडे में अगर हमें बुलिश साइड का प्राइस दिखता है तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसको भी फॉलो करेंगे। फिर जैसे कि मैंने कहा था कि इसके नीचे आता है तो ही हम डाउन साइड में देखेंगे, लेकिन उसके नीचे देखिए आया ही नहीं, यहाँ पे भी आने का ट्राई किया लेकिन स्टील नहीं आया, फिर से यहाँ पे हैमर कैंडल बना के थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट किया। तो सिंपल जो सपोर्ट और लाइन में बताती हूँ उनको आपको फॉलो करना है, ज्यादा कुछ नहीं। आप लोगों को लगता है कि मूवमेंट छूट जाएगा, मूव छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मूव वगैरह छूटना, मूव तभी छूटता है जब मार्केट वन वे जाता है, रुकता ही नहीं है। तो किसी भी कैंडल में फ्लो में ट्रेड ले लिया तो उसमें भी प्रॉफिट हो जाता है, ऐसा मार्केट जब रहता है तब वो मुंह छूटता है। लेकिन जनरली मुंह ऐसा छूटता नहीं है, मार्केट परफेक्टली प्राइस एक्शन बना के ही अपसाइड का मोमेंटम करता है। सो हमारे लिए कल भी अब भी 21,800 का हाई लगाया हुआ है एंड नीचे अगर देखते हैं तो 21,800 का निफ्टी का अगर एनालिसिस आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि इसके लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा 21,800 तक। सो लगभग उसने वो मोमेंट गैप अप करके ही सही, उसके बाद उसने ये वाला लेवल अचीव भी किया। नीचे से देखते तो ये वाला लेवल सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, 21,722 का लेवल एक सपोर्ट की तरह परफॉर्म कर सकता है। हमें चाहिए कि ये इसी सपोर्ट के ऊपर रहे, नहीं रहता है, टिक पाता है तो भी यहाँ से हम सेलिंग का नहीं सोचेंगे। यहाँ पे सेलिंग का क्यों नहीं सोचना है थोड़ा सा ना गाइस, आप लोगों को क्या करना है, जब किसी लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद आपको देखना है कि नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है। अगर नेक्स्ट सपोर्ट किसी पास की जगह में ही होता है तो वो 50-100 पॉइंट का अगर डिफरेंस रहता है तो उसको छोड़ देना होता है। निफ्टी का 50-100 पॉइंट बहुत बड़ा है, लगभग मान लीजिए 20-25 पॉइंट के पास ही सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक आने का चांसेस है, तो इस जगह से करेक्ट यहाँ तक आएगा ये चांसेस नहीं रहता है। नीचे आ गया, लर्निंग का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ से ब्रेकडाउन करके ये वाला टारगेट रहता है, ठीक है, तो क्या पता कि यहाँ तक ये सीधा आ जाए, सीधा आ जाता है तो आपको 25 पॉइंट के मुंह में से 10-15 पॉइंट मिल जाए, नहीं तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा निकले, थोड़ा होल्ड करे, थोड़ा अप जाए, फिर निकले, फिर अप जाए, फिर आए, तो इसमें प्रीमियम आपका 2-4 पॉइंट बढ़ेगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे बेटर क्या रहता है, जब पर्टिकुलर सपोर्ट से ब्रेकडाउन करके एक सपोर्ट पास में होता है तो वहां पे ना ही करना बेटर रहता है, सेल ना ही करना बेटर रहता है। हमेशा वहां पे वेट करना चाहिए कि सपोर्ट के पास आने के बाद मैं देखूंगा।
अभी निफ्टी ने, यहाँ पे निफ्टी ने भी वही चीज किया था, ब्रेकडाउन कर दिया था। और निफ्टी का भी मैं वही वेट कर रही थी कि इसका रेजिस्टेंस ले रहा है अपसाइड में, तो क्या ये ब्रेकडाउन कर देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे वेट किया कि ब्रेकडाउन ही करना है इसको, तो यहाँ पे रेंज बनाए पहले एंड देन रेंज का ब्रेकडाउन करे तो ही मैं डाउन साइड के लिए देखूंगी। फिर इसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया एंड ब्रेकआउट लेवल को ही कंटिन्यूस इसने सपोर्ट किया, तो वही मैं कल भी चाहती हूँ। लेकिन कल भी अगर बुलिश प्राइस एक्शन अगर क्रिएट करना होगा तो सपोर्ट के पास आकर वो होल्ड करना ही चाहिए, तभी हम प्राइस एक्शन पे बिलीव करेंगे। ओके, एंड अपसाइड में ब्रेकआउट अगर गैप अप अगर ओपन हो जाए तो गैप अप ओपन होने के बाद तो कुछ कर नहीं सकते, वेट करना पड़ेगा सिंपली, क्योंकि मार्केट काफी स्ट्रांग है, अपसाइड में चला, बहुत अपसाइड में जा चुका है, मूव भी उसने कर दिया है। तो हमें चाहिए प्रॉपर प्रॉपर उसका सेटअप, अपसाइड में जाने के लिए भी नीचे आने के बाद हमें चाहिए प्रॉपर सेटअप, तभी हम उसके ऊपर बिलीव कर सकेंगे। गैप डाउन के चांसेस तो वेरी लेस है। सेलिंग कब बन सकता है, सेलिंग अगर मार्केट कल फिर से 21,800 के पास जाता है, वहां पे सेलिंग का प्रेशर बनता है, तभी फर्स्ट टाइम में सेल करना नॉट बेटर, सेकंड टाइम फिर से जाकर सेम जगह से फिर से डबल टॉप लाइक सिचुएशन वगैरह बनता है तो हम देख सकते हैं डाउन साइड के लिए। ओके, ये जस्ट मेरा व्यू है, मैं सिर्फ अपना व्यू शेयर करती हूँ, बाकी आप लोगों को जो लगे आप बाकी लोग सबको आपको समझता है, ठीक है। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल पे नए लोगों को चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, डेली आपको कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट एनालिसिस का, ठीक है एनालिसिस का ठीक है, लेकिन उसमें मैं कुछ पॉइंट आपको देके जाती हूँ, सिखा के जाती हूँ कि कहाँ पे किस तरह से बिहेव करता है मार्केट, क्या कर सकता है, ये सारा चीजें रहता है, वो लर्निंग पॉइंट आपको एनालिसिस के वीडियो में डेफिनेटली मिलते हैं। ओके, सो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस, जय हिंद, राधे कृष्णा।